तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज साइनेप्स एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। साइनेप्स क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम पर से ही आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा कि साइनेप्स मतलब सिंपली जो होता है, इट इज द जंक्शन ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन का जंक्शन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ये जो है ये है आपका साइनेप्स। इसको अपन डिस्क्राइब करते हैं आगे। तो डेफिनेशन क्या बनती है साइनेप्स की? साइनेप्स इज द जंक्शन जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, इट इज नॉट एन एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन बट इट इज ओनली अ फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी बिटवीन टू नर्व सेल। तो इसमें तीन पॉइंट हमारे नोट करने लायक है। एक तो ये जंक्शन है, ठीक है, ये नॉट है ना एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन नहीं है। इसका क्या मीनिंग होता है ये बताएंगे, ये समझेंगे हम अभी। एंड इट इज ए फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन। तो ये एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन ना होते हुए एक फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन है और ये एक जंक्शन है। तो ये तीनों वर्ड जो है ये इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है। तो हम ये तीनों वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इट मीन। ठीक है, तो जैसा कि बोला था कि दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, तो ये जैसे आपका पहला न्यूरॉन हो गया और ये आपका सेकंड न्यूरॉन हो गया, ये एक न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन। तो ये दोनों का जो जंक्शन पॉइंट ये बना है इसको हम बोलते हैं साइनेप्स, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। फिर सेकंड पॉइंट था कि ये एक एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन नहीं है। इसका क्या मीनिंग है देखिए, यहाँ पर ये न्यूरॉन नंबर वन का आपका एग्जॉन टर्मिनल है, करेक्ट, ये एग्जॉन टर्मिनल है और ये सेकेंड न्यूरॉन का आपका है डेंड्राइट्स, करेक्ट। जैसे हम न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर जानते हैं तो ये सेल बॉडी होती है, एग्जॉन होता है, एग्जॉन टर्मिनल और इस पर जो है आपके इस टाइप से डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स जो है वो इम्पल्स रिसीव करने का काम करते हैं। अब ये जो साइनेप्स, ये जो साइनेप्स है, साइनेप्स के पहले जो न्यूरॉन होता है इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, करेक्ट। वैसे ही साइनेप्स के बाद वाला जो न्यूरॉन होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, करेक्ट। ये इस टाइप से इसका नॉमनक्लेचर होता है। तो यहां पर देखिए इस डायग्राम में जब ये इतने साइनेप्स को हमने मैग्निफाई करके देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक्सॉन, मतलब जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसका एक्सॉन टर्मिनल। इसके अंदर में देखिए ये वेसिकल्स है, वेसिकल्स में ये जो है ये क्या भरा हुआ है, ये है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है। तो जब भी कोई इम्पल्स यहां से न्यूरॉन से ट्रेवल होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक आता है तो ये जो वेसिकल्स है ये आकर यहां पर न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। ये देखिए ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो गया है। अब न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज तो हुआ है लेकिन आप देख सकते हैं कि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। इसमें जो है आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं देख पा रहे, मतलब ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनके बीच में ये जो है ये थोड़ी सी गैप है। इसी की वजह से बोला गया है कि ये एक एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन नहीं है, मतलब दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड नहीं होते तो हम बोलते हैं कि उसमें एनाटॉमिकली गैप है। और फिजियोलॉजिकली कनेक्टेड मतलब कि यहां से न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुआ है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड होता है और यहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट न्यूरोन तक ट्रेवल होती है। इसका मतलब है कि दे आर नॉट कनेक्टेड एनाटॉमिकली बट दे आर कनेक्टेड फिजियोलॉजिकली, वो फिजियोलॉजिकली कनेक्टेड है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेट हो पा रही है, पास हो पा रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये फिजियोलॉजिकली कनेक्टेड है। ओके, तो ये हुआ साइनेप्स, मींस सिंपली जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स, तो साइनेप्स जो है आपके, सॉरी ये थ्री होना चाहिए, थ्री मेथड से आपके क्लासिफाई किए हुए। पहला जो है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये तीन मेथड से ये क्लासिफाई किए हुए। एक एक करके हम देखेंगे कि एनाटॉमिकली कितने टाइप में डिवाइडेड है, फंक्शनली कितने टाइप में है और फंक्शंस के बेसिस पे कितने टाइप पे।
एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन द एंडिंग ऑफ एक्सॉन साइनेप्स आर डिवाइडेड क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप। ये 6 टाइप है जो कि हम एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन देखते तब उसका। तो कौन कौन से है, एक्सोसेक्रेटरी साइनेप्स, एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स, एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स, एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर साइनेप्स, एक्सो सोमेटिक साइनेप्स, एक्सो साइनेप्टिक साइनेप्स। तो एक्चुअली में ये है क्या, दे आर द टाइप्स ऑफ साइनेप्स, है कि नहीं। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चरली कि ये किस किस टाइप से होती है। जैसे सबसे पहला जो है आपका, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये एक न्यूरॉन है ना, ये एक न्यूरॉन है आपका, ये आपका ब्लड वेसल है, करेक्ट, ब्लड वेसल है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये सबसे पहला टाइप एक्सोसिक्रेटरी साइनेप्स। एक्सोसिक्रेटरी साइनेप्स जो है वो क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल सिक्रेट्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। देखिए ये फर्स्ट नंबर का एक्सोसिक्रेटरी साइनेप्स, तो इसमें ये न्यूरॉन आया, न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली आपके ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में डायरेक्टली वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। तो इस टाइप का, जब ये भी एक टाइप का जंक्शन ही हुआ, कि ये जंक्शन किसके बीच में हुआ, न्यूरॉन और ब्लड वेसल के बीच में, तो ये भी एक टाइप का जंक्शन हुआ, ये भी एक टाइप का साइनेप्स हुआ। लेकिन जब साइनेप्स आपका ब्लड वेसल और न्यूरॉन के बीच में होता है, जिसमें कि एक्सॉन टर्मिनल जो होता है वो डायरेक्टली किस में न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करता है, ब्लड स्ट्रीम में, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ब्लड रहेगा ब्लड स्ट्रीम में, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसिक्रेटरी। एक्सो एक्सोनिक किसको बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल सिक्रेट्स इनटू द अनदर एक्सॉन। देखिए यहाँ पर ये सेकंड नंबर का एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स है, ये एक पहला साइनेप्स है, देखिए इसका एक्सॉन टर्मिनल है, ये ले जाके कंटेंट या न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज कर रहा है, दूसरे न्यूरॉन में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स। तीसरा जो है एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स, इसमें एक्सॉन टर्मिनल एंड्स ऑन अ डेंड्राइटिक स्पाइन, ये देखिए ये थर्ड वाला, तो इसमें ये यहां से एक न्यूरॉन जो है वो आया और वो कहां पर कनेक्ट हुआ है, ये डेंड्राइटिक स्पाइंस में। डेंड्राइटिक स्पाइंस क्या होती है, तो ये सेल बॉडी, ये एग्जॉन टर्मिनल और ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स जो है और फर्दर इस टाइप से ब्रांचेस में डिवाइडेड रहते हैं, तो इसको जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये सॉरी डेंड्राइटिक स्पाइंस, है ना। तो जो न्यूरॉन है वो आकर कहाँ कनेक्टेड है, डेंड्राइटिक स्पाइन में, तो ऐसे टाइप का जो साइनेप्स होता है उसको हम बोलते हैं एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स। फिर चौथा है एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर साइनेप्स, एक्सॉन विथ नो कनेक्शन सिक्रेट्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ पर देखिए ये फोर्थ नंबर का एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर, तो इस पर नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये कौन सा एरिया है, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब सिक्रेट होता है तो उसको क्या क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको एक्स्ट्रा सेलुलर साइनेप्स। एक्सो सोमेटिक साइनेप्स किसको बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल एंड्स इनटू सोमा। सोमा मतलब यही जो सेल बॉडी होती है उसी को हम और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सोमा, करेक्ट। तो जब एक्सॉन टर्मिनल आकर, ये देखिए एक्सॉन टर्मिनल आकर सोमा में एंड हो रहा है, मतलब वो न्यूरोट्रांसमीटर आपका सोमा में सिक्रेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम एक्सो सोमेटिक साइनेप्स। और एक्सो साइनेप्टिक साइनेप्स मतलब एक्सॉन टर्मिनल एंड्स ऑन अनदर एक्सॉन टर्मिनल, ये देखिए यहीं पर सिक्स नंबर का भी है, फिफ्थ और सिक्स एक साथ इशू हो रहा है, ये एक न्यूरॉन का एंड है और ये दूसरा न्यूरॉन आके उसी एक्सॉन टर्मिनल पे साइनेप्स बना रहा है, तो इस टाइप के साइनेप्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सो साइनेप्टिक साइनेप्स। तो ये क्लासिफिकेशन कौन सा हुआ, ये हुआ आपका एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, छह टाइप में डिवाइडेड है। इसके बाद बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, इट डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन, की किस मोड में इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उसके बेस पे साइनेप्स को जो है दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स, दोनों को देखते हैं हम।
इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज द साइनेप्स इन विच द फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज प्रोवाइडेड बाय द गैप जंक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैप जंक्शन। देखिए अब गैप जंक्शन क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है इंपल्स ट्रेवल होना है ना, इंफॉर्मेशन ट्रेवल होना है। लेकिन अभी तक हम जैसे देखते आए कि जैसे मान लीजिए ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है इस टाइप से, ठीक है, और यहां पर जो है नेक्स्ट न्यूरॉन का क्या रहेगा, डेंड्राइट्स रहेगा। लेकिन जब हम अभी तक देख रहे थे तो इसमें एक गैप थी, एनाटॉमिकल गैप थी, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन दूसरे से डायरेक्टली अटैच नहीं थे। लेकिन इसमें जो है नेक्स्ट जो न्यूरॉन रहेगा, नेक्स्ट न्यूरॉन की जो सेल बॉडी से निकले हुए आपके डेंड्राइट्स रहेंगे इस टाइप से, वो डेंड्राइट्स जो है वो आपके एनाटॉमिकली अटैच होते हैं किससे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से, जैसे ये यहां पर अटैच है इस टाइप से, है ना। तो इसको और हम ये इतना सा एरिया अगर और मैग्निफाई करके देखे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये आपका हो गया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और ये आपका हो गया डेंड्राइट्स पोस्ट साइनेप्टिक का। लेकिन इसके बीच में जो है यहाँ पर एक ऐसा जंक्शन बन जाता है ना, एक टाइप का ब्रिज बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन। तो यहां पर जो है इंपल्स यहां से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आएंगे और वो इनसे गैप जंक्शन से होते हुए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो है एंटर करेंगे, ठीक है। इसमें फिजियोलॉजिकल गैप होती है लेकिन जो जंक्शन होता है वो एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं गैप जंक्शन। तो ऐसा जब जंक्शन होता है तो क्या होता है कि यहां से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रहा है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में ही जो है नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जा रहा है, वो केमिकल सिग्नल में ट्रांसफर नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ही वो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोलते हैं। इसमें जो की पॉइंट है वो है आपका गैप जंक्शन, ओके। फिर उसके बाद सेकंड वाला है केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स क्या होता है, इट इज द जंक्शन बिटवीन अ नर्व फाइबर एंड द मसल फाइबर और बिटवीन टू नर्व सेल थ्रू विच द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द रिलीज ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर। तो ये सिंपल सा हमारा केमिकल साइनेप्स जो है, सिंपल सा हमारा साइनेप्स है जो हमने अभी तक इसके पहले वाले में स्टडी किया था पहली स्लाइड में, कि आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रहेगा, है ना, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन रहेगा, ये वाले एरिया को हम बोलेंगे साइनेप्स। तो जब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से इंपल्स जो है ट्रेवल होते हुए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल तक आएंगे तो यहाँ से जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, वो जाके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर रहेंगे वहां पर बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद वो इंपल्स जो है आपके नेक्स्ट न्यूरॉन में मतलब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन, जो इम्पल्स, जो सिग्नल का ट्रांसमिशन हुआ है, इट इज वाया केमिकल, यहाँ पे केमिकल, केमिकल मतलब नथिंग बट इट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर जो है केमिकल का हेल्प लेके साइनेप्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल हुई है वो केमिकल के हेल्प से हुई है, इसलिए इस टाइप के साइनेप्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल साइनेप्स। जबकि यहाँ पर जो है केमिकल साइनेप्स मतलब केमिकल जो है रिलीज ही नहीं हुआ, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ही विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में पहुंच गए, जिसकी वजह से इस टाइप के साइनेप्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और फिर है केमिकल साइनेप्स, ठीक है। तो ये दो टाइप है आपके डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल। फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस फिर से वो दो टाइप में डिवाइडेड हुआ है, एक्साइटरी साइनेप्स एंड इनहिबिटरी साइनेप्स। एक्साइटरी साइनेप्स क्या होता है, विच ट्रांसमिट द इंपल्स, एक्साइटरी फंक्शन मतलब ये जो है इस टाइप के साइनेप्स जो है जनरली एक्साइटरी फंक्शन करवाएंगे और जो इनहिबिटरी साइनेप्स है
वो हमेशा इनहिबिटरी फंक्शन प्रोसीड कराएंगे, मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन को ये एक्साइट करते हैं, ये जो है इनहिबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें एक की वर्ड है एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल या उसको EPSP भी बोलते हैं, इज द नॉन प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट डेवलप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ओके, और पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन या पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिटरी या इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है IPSP इज द टाइप ऑफ साइनेप्टिक इनहिबिशन दैट अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल इंस्टेड ऑफ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट इनहिबिशन। तो इसमें जो हम मेन डिफरेंस जो समझ पा रहे हैं वो ये है कि एक्साइटरी साइनेप्स में क्या होता है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो किस टाइप का होगा, एक्साइटेटरी टाइप का होगा, और वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जो है EPSP डेवलप करेगा, है ना। और यहाँ पर जो है इनिबिटरी साइनेप्स में क्या होगा, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रहेगा वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रेवल कराएगा लेकिन विद द हेल्प ऑफ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे वो किस टाइप के रहेंगे, इनहिबिटरी टाइप के रहेंगे, जिसकी वजह से जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होगा वो IPSP टाइप का डेवलप होगा। तो इस टाइप से जो आपके साइनेप्स है वो क्लासिफाई किए हैं, साइनेप्स मींस जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन, उसको तीन मेथड से डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू।